एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इससे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के ऊपर वीडियो बनाई है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और हाँ मैंने बहुत सारी बिजनेस लॉ की वीडियोस बनाई हैं और सारी ही वीडियोस नोट्स के साथ बनाई हैं उसका लिंक मैं नीचे पिन कमेंट्स में दूंगी तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमिनिटी के बीच में तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए गारंटी लेता है कि अगर तुम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए तो तुम्हारी जगह पे मैं पेमेंट कर दूंगा तो ये जो इसकी डेफिनेशन है वो सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रेक्ट टू परफॉर्म द प्रामिस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रामिस को परफॉर्म किया जाता है और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट अगर कोई दूसरा पर्सन जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है मतलब अगर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया तो उसकी जिसने गारंटी ले रखी है वो उसकी जगह पे पेमेंट करेगा ये एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको ए रिक्वेस्ट बी टू गिव रुपीज फिफ्टी थाउजेंड टू सी ए ने बी को रिक्वेस्ट करी कि तुम सी को पचास हजार रुपये दे दो और उसकी गारंटी मैं लेता हूँ सी जो है वो तुम्हें एक साल के अंदर अंदर पेमेंट वापस कर देगा पचास हजार वापिस कर देगा अगर सी वापस नहीं कर पाया तो उसकी जगह पे मैं पे करूंगा तुम्हें ठीक है ए हिमसेल्फ विल पे द अमाउंट टू बी दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ए ने सी के लिए गारंटी ली और ये गारंटी किसको दी उसने बी को ओके नेक्स्ट इज पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट इज श्योरिटी सेकेंड इज प्रिंसिपल डेटर एंड थर्ड इज़ क्रेडिटर श्योरिटी कौन होता है जो पर्सन गारंटी देता है उसको हम श्योरिटी बोलते हैं जिसके लिए गारंटी दी जाती है उसको हम प्रिंसिपल डेटर कहते हैं द पर्सन इन हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन उसे हम प्रिंसिपल डेटर कहते हैं और जिसको गारंटी दी जाती है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं ये जो पीछे वाली एग्जाम्पल है इसी में आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे जो ए है इसने गारंटी ली किसके लिए सी के लिए तो ए जो है वो श्योरिटी है किसके लिए ली उसने सी के लिए, लिए गारंटी ली तो सी यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर है और गारंटी किसको दी बी को दी तो यहाँ पे बी जो है वो क्रेडिटर है ओके नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स या फिर कई बार ये भी आ जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये हमारा सेक्शन 126 के अंडर आता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन ओनली बी बिटवीन एटलीस्ट थ्री पार्टीज श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमेशा ही तीन पार्टीज के बीच में होता है इसमें हमेशा तीन पार्टीज होती हैं ये चीज का ध्यान रखना सेकेंड इज फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इज असेंशियल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में फ्री कंसेंट सारी पार्टीज का होना बहुत जरूरी है Means, जो सारी पार्टीज हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से समझे मतलब जिस तरीके से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बोली है उसी तरीके से दूसरी पार्टी भी उस चीज को समझे और कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती आपको गारंटी देने के लिए कह रहा है अपनी ठीक है तो फ्री कंसेंट होना चाहिए ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स कंप्लीट डिस्कलोजर डिस्कलोजर होता है हर चीज को बताना क्लियरली बताना ऑफ ऑल द मटीरियल फैक्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर और द क्रेडिटर टू द श्योरिटी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इन टू बाय हिम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये चीज़ होना बहुत जरूरी है मटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट जब भी आप लॉ में मटेरियल वर्ड देखोगे तो उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तभी वैलिड होगा अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर श्योरिटी को सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए कॉन्ट्रैक्ट के एंटर होने से पहले अगर वो कोई चीज़ छुपा लेते हैं श्योरिटी से तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी ओरल और रिटर्न इट कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल और रिटर्न हो सकता है एम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होता है क्योंकि बिहेवियर से नहीं आप आ, कोई बंदा सर्कमस्टांसिस में अपने आप गारंटी नहीं दे सकता गारंटी हमेशा ही जब प्रिंसिपल डेटर जाके किसी गारंटर को रिक्वेस्ट करता है तभी वो गारंटर उसके लिए गारंटी देता है वो अपने आप आके गारंटी नहीं देता है ठीक है तो इट कैन बी ओवरऑल और रिटर्न नेक्स्ट इज द श्योरिटीज ऑब्लिगेशन अराइजेज ओनली वन द प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट इन द परफॉमेंस ऑफ इज ऑब्लिगेशन एंड डज नॉट रीपे द डेट श्योरिटी की ऑब्लिगेशन तभी अराइज़ होती है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देता है मीन्स जब प्रिंसिपल डेटर वैसे जब पहली जिम्मेदारी होती है पेमेंट करने की वो प्रिंसिपल डेटर की होती है जिसने पैसे लिए हैं वही तो वापस करेगा ना ठीक है तो अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाता है तभी श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ती है अगर प्रिंसिपल डेटर ने ही पे कर दी है अपनी आ, डेट पे कर दिया है तो श्योरिटी की फिर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है द प्राइमरी लाइबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर पहली प्राइमरी होता है पहली लाइबिलिटी जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी अपने डेट को पे करने की किसकी होती है प्रिंसिपल डेटर की प्रिंसिपल डेटर वो पर्सन है जिसने पैसे ले रखे हैं द लाइबिलिटी ऑफ सेकेंडरी सिक्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है मतलब दूसरी अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाया तभी लाइबिलिटी तभी श्योरिटी पे करेगा अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर दिया तो श्योरिटी को पे करने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ टाइम बार डेट द प्रिंसिपल डेटर कैन नॉट बी स्यूड एंड हिज ऑब्लिगेशन टू पे डज नॉट अराइज अंडर द लॉ द श्योरिटी लाइक वाइज कैन नॉट बी स्यूड इन सच अ केस अब सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझने से पहले टाइम बार डेट पता होना चाहिए टाइम बार डेट का मतलब होता है जैसे सपोज अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कुछ पैसे उधार लिए ठीक है और उसने वो पेमेंट उसकी नहीं करी उस पैसों की पेमेंट नहीं करी तो जिसको पेमेंट नहीं करी उस पर्सन के पास ऑप्शन होता है कि वो किस कुछ मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है उसी के अंदर ही वो कोर्ट में जा सकता है उस बंदे के खिलाफ केस करने के लिए ठीक है तो वो जो टाइम लिमिट क्या होती है ये डिपेंड करती है जो ये टाइम लिमिट हमारी लिमिटेशन एक्ट के अंदर दी हुई होती है कि इतने ही टाइम के अंदर आप उस पर्सन पे केस कर सकते हो पैसे रिकवर करने के लिए तो अगर क्रेडिटर ने उस पर्सन पे केस नहीं किया और टाइम निकल गया केस करने का तो वो जो डेट होता है वो टाइम बाढ़ हो जाता है मींस अब आप कोर्ट के जरिए वो पैसे रिकवर नहीं कर सकते हाँ वो पर्सन अपने आप दे जाए तो अलग बात है ठीक है लेकिन आप कोर्ट के जरिए वो पैसे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट कहेगा कि आपने इतना टाइम क्यों वेट करा आपने पहले क्यों नहीं केस करा ठीक है आपने टाइम क्यों निकलने दिया तो उस केस में वो डेट टाइम बाढ़ हो जाता है तो उस केस में जो प्रिंसिपल डेटर होता है उसको आप कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते तो उसकी ऑब्लिगेशन भी खत्म हो जाती है क्योंकि कोर्ट के थ्रू आप उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकते तो अगर प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ ही केस नहीं कर सकते तो श्योरिटी के खिलाफ तो आप बिल्कुल भी केस नहीं कर सकते क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर ही अपनी ऑब्लिगेशन से आज़ाद हो गया है अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया है तो श्योरिटी भी लाइबल नहीं रहेगा नेक्स्ट इज टिल सच टाइम एज अ ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट अराइज द श्योरिटी इज फ्री फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन जब तक प्रिंसिपल डेटर की ही जिम्मेदारी अराइज नहीं होती है मतलब जिम्मेदारी नहीं बनती है पेमेंट करने की तब तक श्योरिटी भी फ्री होता है जैसे पीछे अभी मैंने टाइम बार्ड डेट की आपको एग्जाम्पल दी है तो वहां पर प्रिंसिपल डेटर की ही जिम्मेदारी नहीं हुई क्योंकि डेट टाइम बार्ड हो गया अब पैसे रिकवर नहीं हो सकते कोर्ट के थ्रू तो प्रिंसिपल डेटर ही आज़ाद हो गया अपनी जिम्मेदारी से तो श्योरिटी भी उस केस में फ्री हो जाएगा When a person gives a guarantee upon the contract, the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if that person does not join. Suppose अगर एक person ने कहा कि मैं guarantee तभी दूंगा अगर मेरे साथ एक और person guarantee के लिए जुड़ेगा means मैं अकेला guarantee नहीं दूंगा मेरे साथ अगर A भी आएगा guarantee देने के लिए तभी मैं guarantee दूंगा तो A कौन है यहाँ पे co-surety. ठीक है तो अगर ए ज्वाइन नहीं करता है ए मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा श्योरिटी तेरे साथ इस पर्सन की तो उस केस में वो गारंटी वैलिड नहीं होती है अगर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है ठीक है नेक्स्ट इज समटाइम्स ए गारंटी फॉर ए वॉय डेट में बी हेल्ड इन कई बार क्या होता है वॉयड डेट वॉइड होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं ठीक है तो कई बार void डेट के, के केसेस में भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाता है कोर्ट में आप उसे लेके जा सकते हो ये मैं आपको इसके पॉइंट्स बताती हूँ जैसे कि माइनर का डेट हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर आप माइनर के साथ करते हो तो वो वॉइड होता है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता लेकिन गारंटी के केस में अगर आप माइनर के किसी डेट की माइनर ने जैसे किसी से उधार ले रखे हैं तो उसके डेट की अगर आप लोगों आपने किसी ने गारंटी दी है तो उस केस में जो श्योरिटी है वही प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा क्यों क्योंकि माइनर जो है वो प्रिंसिपल डेटर है इस केस में और प्रिंसिपल डेटर ही फर्स्ट लाइबल होता है उसकी पहली जिम्मेदारी होती है लेकिन माइनर को तो आप कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते ना पेमेंट करने के लिए माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता है पेमेंट करने के लिए तो उस केस में जो श्योरिटी है वही लाइबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए वही प्रिंसिपल डेटर बन जाता है अब एग्रीमेंट माइनर के साथ वॉड होता है लेकिन अगर एग्रीमेंट आपने गारंटी का कर रखा है माइनर के बेस पे माइनर के लिए आप गारंटी दे रहे हो तो वहां पर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है सेकेंड इज वे आर द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी गारंटी दे आर मतलब होता है बियॉन्ड द पावर ठीक है अब सपोज देखो एक कंपनी होती है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की स्कोप लिखी जाती है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और क्या क्या काम वो नहीं कर सकती है सपोज अगर कंपनी की मेमोरेंडम में ये लिखा था कि कंपनी दस करोड़ तक का लोन ले सकती है लेकिन उससे ऊपर नहीं ले सकती और अब कंपनी जो है वो क्या है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है ठीक है वो अपने आप तो काम नहीं कर सकती उसको लोग ही चलाते हैं और लोग कौन होते हैं डायरेक्टर्स तो अगर कंपनी ने अब बीस करोड़ का लोन ले लिया सपोज ठीक है तो वहाँ पर डायरेक्टर ने अगर गारंटी दे दी कंपनी के लोन के ऊपर कि बीस करोड़ के लोन की हम गारंटी देते हैं ठीक है और वो क्या है वो वॉइड है क्योंकि वो अल्ट्रा वायर्स है वो कंपनी की स्कोप के बाहर है अब कंपनी जिम्मेदार नहीं है इस केस में यहाँ पे जो है वो डायरेक्टर्स लाइबल हो जाएंगे ठीक है वैसे तो जो ये एग्रीमेंट है वही वॉइड है क्योंकि वो अ, अ, अल्ट्रा वॉयर्स के ऊपर है मींस वो बियॉन्ड द पावर कंपनी की स्कॉपी में नहीं है कि आप दस करोड़ से ज़्यादा लोन लो लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने गारंटी दी है दस करोड़ से ज्यादा लोन की तो वहां पे डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे कंपनी पे कोई केस नहीं होगा तो यहाँ पे वॉइड डेप्ट के ये दो केसेस हैं जहाँ पे जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है ओके नेक्स्ट इज कंसिडरेशन फॉर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट अब गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होती है नहीं होती है ये हमें सेक्शन 127 बताएगा सेक्शन 127 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर कुछ भी प्रिंसिपल डेटर के लिए के फायदे के, के लिए किया गया मे बी अफिशियंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी अब श्योरिटी जो है वो किसके लिए गारंटी दे रहा है प्रिंसिपल डेटर के लिए अब बदले में श्योरिटी को क्या मिल रहा है तो ये सेक्शन 127 कहता है कि कोई भी चीज में अगर प्रिंसिपल डेटर का फायदा हो रहा है तो वही श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन होगी मतलब बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए उसे बस यही चाहिए कि प्रिंसिपल डेटर का फायदा हो जाए तो वही एक तरह से कंसीडरेशन होगी किसके लिए श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ देने के बदले में कुछ लेना इन अदर वर्ड्स कंसिडरेशन कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि कंसिड्रेशन हमेशा प्रॉफिट की रूप में ही हो या पैसों के रूप में ही हो या गेन के रूप में ही हो यह तब भी हो सकती है अगर आप प्रोमिसी को लॉस से बचा लो ठीक है तो प्रोमिसी को लॉस से बचाने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकती है अब ये मैं एग्जांपल से बताऊंगी आपको देखो बी ने रिक्वेस्ट करी ए को टू सेल हिम सम गुड्स ऑन क्रेडिट बी ने ए को रिक्वेस्ट करी कि तुम मुझे गुड्स कुछ उधार पे बेच दो क्रेडिट होता है उधार ए ने कहा ठीक है मैं करूंगा लेकिन मैं तुम्हें उधार पर बेच दूंगा लेकिन तुम सी की गारंटी लेके आओ इफ सी गारंटीज डेट पेमेंट विल बी मेड ऑन टाइम मैं तुम्हें उधार में गुड्स दे दूंगा अगर सी इस बात की गारंटी देता है कि पेमेंट टाइम पे हो जाएगी अब सी आता है सी गारंटीज डेट इट विल बी डन सी ने गारंटी दे दी कि ठीक है बी पेमेंट टाइम पे कर देगा यहां सी सीज प्रमिस इज द कंसिडरेशन फॉर ए यहां पे सी का जो प्रामिस है वो ए के लिए कंसिडरेशन है सी एक्चुअली रिसिव नो मॉनिटरी बेनिफिट सी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है गारंटी दे बट द फैक्ट

क्यों किया जाता है क्यों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है इसमें कुछ भी पर्पज़ हो सकता है क्या मकसद होता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ए लोन टू द गिवन पार्टी गिवन टू अ पार्टी जैसे अगर लोन की सिक्योरिटी लेने के लिए गारंटी दी जाती है अब आप बैंक में भी जाते हो तो बैंक में भी आपसे गारंटी मांगी जाती है कि किसी गारंटर को ले आओ या गारंटर के साइन करवा दो ठीक है तो वो यही होती है कि एक सिक्योरिटी होती है कि, कि कल को कोई जो है अगर कुछ नुकसान होगा या फिर कुछ होगा तो वो गारंटर को पकड़ेंगे तो यही केस है कि अगर कोई पर्सन लोन ले रहा है तो उस केस में एक सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर ये पर्सन पैसे पे नहीं कर पाया तो हम गारंटर से पैसे ले लेंगे सेकेंड इज़ फॉर द एश्योरेंस ऑफ गुड कंडक्ट एंड ऑनस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जॉब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस केस में भी गारंटी ली जाती है ताकि ये एश्योर किया जा सके कि जिस पर्सन को हम रख रहे हैं क्या वो बंदा ऑनेस्ट भी है क्या वो पर्सन ऑनेस्ट भी है तो इसलिए कोई पर्सन उसकी गारंटी दे देता है जैसे कोई पुराना एम्प्लॉई गारंटी दे सकता है कि हाँ भाई ये पर्सन बहुत अच्छा है आप इसको रख सकते हो तो इसलिए भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है या फिर फॉर द इंडेमिनिटी ऑफ थर्ड पार्टी फ्रॉम लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन पेमेंट ऑफ डेट या फिर थर्ड पार्टी के लॉस को पूरा करने के लिए कि अगर पेमेंट पूरी नहीं हो पाई टाइम पे तो थर्ड पार्टी को जो नुकसान हो जाएगा उससे उसको बचाने के लिए गारंटी जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो इनमें से कोई भी परपज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफ गारंटी गारंटी का अब आ जाओ, आ जाओ डिफरेंस बिटवीन एंड इंडेमिनिटी ये क्वेश्चन जाता है कई

इंडेम्यूनिटी का मतलब क्या होता है इंडेम्युनिटी का मतलब होता है किसी के लॉस को कवर अप करना ठीक है और उसको दोबारा से उसी पोजीशन पे पहुंचाना जिस पे वो था लॉस होने से पहले जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्यूनिटी होता है इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी देती है आपको सॉरी गारंटी नहीं आपको वो दे कहती है कि अगर आपको लॉस होगा कल को तो हम आपका लॉस को पूरा, पूरा का पूरा कवर अप करेंगे ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है इंडेमनीफायर प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द पे क्या है इंश्योरेंस कंपनी का अगर हम इंडेमिफाइड लेते हैं तो इंडेमीफायर हो गई हमारी इंश्योरेंस कंपनी और indemnified, जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस ले रखी है टू प्रोटेक्ट द इंडेमनीफाइड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडेमिटी होल्डर और थर्ड पार्टी जैसे अगर आपको थर्ड पार्टी की तरफ से अगर कोई नुकसान हो तो उस केस में हम जो है वो आपको कवर अप करेंगे आपके लॉस को जैसे कि अगर आप कार इंश्योरेंस कराते हैं कार का एक्सीडेंट हो जाता है थर्ड पार्टी की वजह से ठीक है दो गाड़ियां आप, आपस में गई तो उस केस में आपके लॉस को पूरा किया जाता है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है श्योरिटी प्रोमिस टू परफॉर्म दबेशन और द प्रोम ऑफ ए थर्ड पार्टी श्योरिटी जो है वो प्रोमिस करता है कि थर्ड पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है उसको मैं पूरा करूंगा अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर गया सपोज थर्ड पार्टी अगर डिफॉल्ट कर गई पेमेंट नहीं कर पाया प्रिंसिपल डेटर तो उसकी जगह पे पेमेंट मैं करूंगा ओके नेक्स्ट इज पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में टू पार्टीज होती हैं इंडेमनीफायर एंड इंडेमिनिटी होल्डर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर एंड श्योरिटी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी अच्छे से समझना है तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है तो आप देख लीजिएगा वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक ठीक है नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट मकसद क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मकसद होता है द पर्पज इज सेफ्टी फ्रॉम एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन मतलब जिसका पता नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में आने वाला है तो आपको बचाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कि कल को फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी करते हो ठीक है ताकि आपको नुकसान ना हो सके और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है एश्योर द अदर पार्टी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एब्लिकेशन जिसमें एक पर्सन दूसरी पार्टी की गारंटी देता है कि भाई ये जो है अपनी परफॉर्म करेगा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा अगर ये ना कर पाया तो इसकी जगह पर मैं करूँगा ओके number of contract there is only one contract between इंडेमनीफायर एंड द इंडेमिनिटी होल्डर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेवनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेविनिटी होल्डर में लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्राइटर के बीच में क्योंकि प्रिंसिपल डाटा ने क्राइटर से पैसे लिए होते हैं सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्राइटर और श्योरिटी के बीच में जिसमें श्योरिटी गारंटी देता है किसको क्राइटर को कि अगर प्रिंसिपल डाटर पेमेंट नहीं कर पाया तो उसकी जगह पर पे मैं पेमेंट करूँगा और जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में यह क्यों होता है अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर की जगह पेमेंट दे दी टाइम आया और प्रिंसिपल डाटा नहीं पे कर पाया तो श्योरिटी ने उसके बिहाव पे पेमेंट कर दी अब श्योरिटी नुकसान में थोड़ी रहेगा तो जो पैसे उसने दिए हैं प्रिंसिपल डेटर के लिए क्रेडिटर को तो वो पैसे वापस भी तो लेगा प्रिंसिपल डेटा से तो फिर वो वो पैसे उससे वापस लेगा तो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में होता है ओके नेक्स्ट इज स्कोप स्कोप इज लिमिटेड डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की स्कोप लिमिटेड है इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इसकी स्कोप बहुत वाइड है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी जो है वो इंक्लूड होता है ठीक है इसमें कैसे इंक्लूड होता है क्योंकि पेमेंट करने के बाद वो अपने पैसे जो है प्रिंसिपल डेटा से रिकवर करता है श्योरिटी ठीक है उसके अपने अपने लॉस को कवरअप करता है एंड मोर ओवर वो क्रेडिटर के भी लॉस को कवर अप करता है अगर जैसे टाइम पे पेमेंट प्रिंसिपल डेटा ने नहीं करी है तो वो क्रेडिटर को पैसे दे देगा उसकी जगह पे तो एक तरह से क्रेडिटर को भी लॉस नहीं होने देता और अपने लॉस को भी कवर अप करेगा किससे प्रिंसिपल डेटर से जो कि पेमेंट उसने दी है उसके बिहाफ पे ओके तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इंक्लूड होता है नेक्स्ट इज नेचर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस ये एक तरह से सिक्योरिटी होती है लॉस के अगेंस्ट कि फ्यूचर में कहीं लॉस ना हो जाए हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक एश्योरेंस होती है क्रेडिटर को कि अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाया तो श्योरिटी पे कर देगा लाइबिलिटी यहाँ पे इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है मतलब उसी को पे करना होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आ, जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है श्योरिटी की क्यों सेकेंडरी होती है क्योंकि वो तभी अराइज़ होती है अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में अगर पैसे प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर दिए तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कभी अराइज़ ही नहीं होती है उसको पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है दूसरी होती है ओके नेक्स्ट इज कंसीड्रेशन इंडेमनीफायर रिसीव द कंसीड्रेशन फ्रॉम द इंडेमिनिटी होल्डर एट द बिगनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो इंडेमनीफायर है उसको इंडेमिनिटी होल्डर से बिगनिंग में ही कंसिड्रेशन मिल जाती है ठीक है जैसे इंश्योरेंस कंपनी के केस में आप प्रीमियम पे करते रहते हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में श्योरिटी डज नॉट रिसीव एनी कंसिड्रेशन श्योरिटी को मैंने अभी आपको ये पॉइंट डिस्कस करा है कि श्योरिटी को कभी भी मॉनिटरी uh, फॉर्म में कंसिड्रेशन नहीं मिलती है द ओनली कंसिड्रेशन फॉर द श्योरिटी इज एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्रिंसिपल डेटर उसको क्या कंसिड्रेशन मिलती है कि उससे जो है प्रिंसिपल डेटर का फायदा हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट इज राइट टू सी इंडेम्निफायर कैन नॉट सी अ थर्ड पार्टी फॉर द लॉस इन हिज ओन नेम ही कैन ओनली सी ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडेम्नीफाइड सपोज अगर इंडेमनीफायर ने पैसे दे दिए इंडेम्निफाइड को उसके लॉस को कवर अप कर दिया तो अगर लॉस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो इंडेम्निफायर क्या करता है थर्ड पार्टी के ऊपर केस करके वो पैसे भी रिकवर कर सकता है लेकिन वो केस सिर्फ तभी करेगा इंडेम्निफाइड के ही नाम पर वो केस कर सकता है वो अपने नाम पर केस नहीं कर सकता लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में क्या है कि श्योरिटी अपने नाम से केस कर सकता है जैसे ही उसने प्रिंसिपल डेटर के डेट को डिस्चार्ज कर दिया मतलब उसकी जगह पे पेमेंट कर दी क्रेडिटर को तो बाद में वो पैसे प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करेगा और अपने नाम पे केस करेगा श्योरिटी ओके okay, लेकिन यहाँ पे इंडेमनीफायर अपने नाम पे नहीं करता वो इंडेमनीफाइड के नाम पे ही करता है ये डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इट इज़ नॉट नेसेसरली फॉर द इंडेमनीफायर टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ़ द इंडेमनीफाइड ये ज़रूरी नहीं है कि इंडेमनीफायर हमेशा इंडेम्निफाइड की रिक्वेस्ट पे ही काम करता है ठीक है जैसे इंश्योरेंस कंपनी खुद ही आती है आपके पास कि इंश्योरेंस करवा लो और आप ले लेते हो जरूरी नहीं है बट आप भी जा सकते हो मतलब हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आपकी रिक्वेस्ट पे वो करें लेकिन गारंटी के केस में श्योरिटी सिर्फ तभी गारंटी देता है अगर उसको प्रिंसिपल डेटर आके रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए आप गारंटी दे दो ओके इसका मैंने आगे पॉइंट है एक प्रॉपर केस है मैं उससे आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर करूँगी नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज ऑल द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी मस्ट भी कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इंडेमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में सारी पार्टीज कम्पीटेंट होनी चाहिए मतलब वो माइनर नहीं होनी चाहिए अट्ठारह साल से ऊपर होनी चाहिए और उसको कोर्ट ने किसी भी कोर्ट ने या किसी भी लॉ ने डिस्कवालीफाई नहीं किया हुआ होना चाहिए लेकिन गारंटी के, के केस में एक स्पेशल केस है जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि माइनर अगर प्रिंसिपल डेटर है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गारंटी का वैलिड होगा बस फर्क इतना है कि उस केस में जो श्योरिटी है उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी हो जाएगी पे करने की क्योंकि माइनर को आप कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते नेक्स्ट इज गारंटी विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल डेटर वही पॉइंट जो रिक्वेस्ट वाला मैं आपको बता रही थी वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन होगा ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्पेशली हैज थ्री पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती है प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर और श्योरिटी ये वर्डिक्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ़ द द वर्डिक्ट ऑन द इशू वाज गिवन बाय तमिलनाडु हाई कोर्ट इन द केस ऑफ पेरियामरन वर्सेस बनियन जैन कंपनी ये जो पॉइंट है गारंटी विदाउट द नॉलेज कि क्या ऐसा हो सकता है कि गारंटी प्रिंसिपल डॉक्टर के प्रिंसिपल डेटर की नॉलेज के बिना हो मतलब प्रिंसिपल डेटर को पता ही नहीं है और इसके लिए कोई और गारंटी दे, दे दे तो क्या ऐसा हो सकता है तो ये चीज़ जो है ये इस केस में डिस्कस हुई देखो इन दिस केस ए मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सम गुड्स फ्रॉम बी ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ कुछ गुड्स खरीदने के लिए यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तीन पार्टीज नहीं है सी वॉज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सी जो है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन ए एंड बी एंड ए के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड ए नेवर वेंट टू सी फॉर गिविंग गारंटी ऑन इज बिहाफ और ए कभी भी सी के पास नहीं गया कि तुम मेरे लिए गारंटी दो अब जब टाइम पे पेमेंट नहीं हुई तो सी एकदम से आया और सी ने कहा बी को कि मैं तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ ए के बिहाफ पे सी पे डैमेजेज टू बी वैन ए डिफॉल्टेड इन इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब ए ने डिफॉल्ट कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो सी ने उसके बदले में डैमेज दे दिए सी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट ए अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है कि ए कभी नहीं गया सी के पास कि तुम मेरे लिए गारंटी लो अब सी ने पेमेंट कर दी बी को जब ए ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करी अब सी को भी तो पैसे वापस चाहिए क्योंकि उसने ए के बिहाफ पे पैसे दे दिए बी को तो सी ने क्या करा कोर्ट में केस कर दिया किसके खिलाफ ए के खिलाफ कि अब मेरे को ये पैसे दे ए क्योंकि मैंने इसके बिहाफ पे बी को पैसे दे दिए हैं तो कोर्ट के पास ये केस गया द कोर्ट वैन गिविंग द वर्डिक्ट वर्डिक्टजर्व दैट श्योरिटी कैन ओनली एज्यूम दबलीगेशन ऑफ रिथ परफॉर्मेंस एट द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर कि श्योरिटी सिर्फ तभी पैसे या फिर किसी के डेट को पे कर सकता है अगर उसके पास रिक्वेस्ट आई हो प्रिंसिपल डेटर की तो कि तुम मेरे बिहाफ पे गारंटी दो अब यहाँ पे ए कभी नहीं गया था सी के पास कि तुम मेरे लिए गारंटी दो तो अब ओनली इफ ही डस सो ही कैन सी द डेटर अगर उसकी रिक्वेस्ट पे ही गारंटर पे करता है तभी वो कोर्ट में जाके उससे पैसे रिकवर कर सकता है द कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कोर्ट ने कहा कि यह तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था ही नहीं क्योंकि इसमें तो तीन पार्टी थी नहीं इसमें तो शुरू से ही दो पार्टीज थी और ए कभी सी के पास नहीं गया गारंटी देने के लिए सी ने तो अपनी मर्जी से पैसे दे दिए थे अब सी जो है वो ए से पैसे कभी भी रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉयड था और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कभी था ही नहीं ओके okay? तो कभी भी बिना नॉलेज के प्रिंसिपल डेटर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं हो सकता है ओके आई होप आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसका सेकेंड पार्ट मैं आगे बनाऊंगी जिसमें आगे आगे वाला जो टॉपिक है वो कवर अप करूँगी तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मिस मत करिएगा अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू